वाले ये जागरण होगा श्री खाटू श्याम जी का दशहरा ग्राउंड में 18 मई 2013 को। एक सूचना और है, 6 अप्रैल को श्री खाटू श्याम जी का जागरण समाना में होगा, आप सभी को खुला निमंत्रण है और एक धर्मशाला समाना के अंदर श्री खाटू श्याम जी की और सूचना है। धन्यवाद विधायक जी, अवतार सिंह जी को PWDB V&R कैथल भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये चेक है, भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी एक और सूचना है। देखिए हमारे कैथल जिले की एक अपनी धर्मशाला, उसका नाम ही है अपनी धर्मशाला, खाटू श्याम धाम के अंदर बनने जा रही है। वो पूरा कैथल जिले की है और वो फुली एसी है। और एक और बात, उसमें किसी से कोई किराया नहीं, नगर पालिका चीका का और SDO PWD का, बिजली बोर्ड के SDO साहब का और प्लेस क्लब चीका का, सोनू केबल का और विशेष तौर पर ये हमारे बहुत अच्छे सेवादार है कान्यमाई सेवा समिति क्रुद्धिवरों का और बाहर से आए हुए खाटू श्याम की संस्थाएं समाना से, पातना से, कैथल से, जीन, पटियाला, करनाल, इन सभी का हम हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जिन बहनों ने, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय मैं और लूंगा, खाए पिए और कृपया वो भी आ जाए, सिर्फ 2 मिनट का समय लेंगे हम आपका। श्री मोतीराम जी, डॉक्टर विशाल बिंदली जी, मोन्टेन जोटनी सिंगला जी, सुधीर गर्ग जी और राजकुमार गुप्ता यूपी वाले, हम स्वागत करते हैं हमारे आज के अगले कलाकार प्रवेश शर्मा जी का। उनसे अनुरोध करते हैं वो भी मंच पर आ जाए, प्रधान जी उनको लेकर के आए। श्री गुन्नू राम जी, इन्होंने बाबा जी का श्रृंगार दिया है। देखिए जो ये श्रृंगार है बाबा जी का आप देख रहे हैं, इसके फूल कलकत्ता से आए हैं। हाँ जी, अब आपके सामने बड़े मजे हुए कलाकार सौरव के सम्राट प्रवेश शर्मा जी। फागुन में खाटू के माही सेवक घूमर घाले रे, फागुन में खाटू के माही सेवक घूमर घाले रे, मोटा मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाले रे, मोटा मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाले रे, फागुन में खाटू के माही सेवक घूमर घाले रे, फागुन में खाटू के मोटा मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाले रे, मोटा मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाले रे।
संग रंगी लो फागुन आवे सेवक यो हर सावे रे संग रंगी लो फागुन आवे सेवक यो हर सावे रे ले निशान खाटू ने चालो बाबो शाम बुलावे रे ले निशान खाटू ने चालो बाबो शाम बुलावे रे सेवक यारा सारा कुणबा यारा सारा कुणबा बाबा देखे भाले रे मोटा मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाले रे मोटा मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाले रे कोई पैदल आवे जी कोई पेट पलनिया आवे कोई पैदल आवे जी कोई बैठा गाड़ी ऊपर शाम को ध्यान लगावे जी कोई बैठा गाड़ी ऊपर शाम को ध्यान लगावे जी शाम सलोना सब भक्तान शाम सलोना सब भक्तान एक रंग में ढाले रे मोटा मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाले रे मोटा मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाले रे दादा दादी पोता नाचे नाचे बेटा बेटी जी दादा दादी पोता नाचे नाचे बेटा बेटी जी टाबर यारो सारो संकट टाबर यारो सारो संकट बाबा पल में टाले रे मोटा मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाले रे मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाले रे चाला थे भी चालो शाम रंग रंग जावा जी मैं भी चाला थे भी चालो शाम रंग रंग जावा जी फागुन में मंदिर के आगे खूब धमाल मचावा जी फागुन में मंदिर के आगे खूब धमाल मचावा जी रोमी के संग खाटू चल के रोमी के
संग खाटू चल के खीर चूरमो खा ले रे। मोटा मोटा सेठ बाणिया ठुमक ठुमक चाल रे। शाम बाबा की
गौरी की जगा श्याम बाबा की कथा सुनाया कर। खाटू की मिट्टी का मैं तिलक लगाऊंगा, छोटी सी एक ध्वजा बना दे सांवरिये को चढ़ाऊंगा, छोटी सी एक ध्वजा बना दे सांवरिये को चढ़ाऊंगा। जहाँ जले बाबा की ज्योत, जहाँ जले बाबा की ज्योत, माथा मुझसे टिकवाया कर। माँ लोरी की जगह श्याम बाबा की कथा सुनाया कर। बोल खुदातार की, श्याम प्यारे की, बोल तीन बाण धारी की, शीश के दाने की, बोल श्री बाल कृष्ण भगवान की, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्री राधे रानी की। अब ऐसा लग रहा है कि जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं, एक महज औपचारिकता, महज एक फॉर्मेलिटी, मैं नहीं समझता कि आज इतना बड़ा ये जो जलसा हो रहा है या उत्सव हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए हैं। ये जयकारा लगाना कोई औपचारिकता नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जो फॉर्मेलिटी समझते हैं उनके लिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने दिल से मेरे ठाकुर के नाम का जयकारा लगाया, मेरा ठाकुर, मेरा बाबा, उसके लिए हर पल हर वक्त उसके साथ में उसको हर दम खड़ा तैयार मिला। ये जयकारा श्याम भरे का क्या से क्या कर देता है, और जिनकी झोली खाली हो उनको खुशी से भर देता है। एक बार मैं चाहूंगा जरा मिल के सारे प्रेमी, श्याम प्रेमी, एक बार जरा मिल के जोरदार का जयकारा प्रभु के नाम का, किसी का हाथ दीजिए नहीं, जरा मिल के एक बार जरा जोरदार का, वो भी जयकारा जिस जयकारे को सुनकर मेरे खाटू वाले नरेश, मेरे लखदातार, मेरे बाबा अपने नीले घोड़े पर दौड़ कर अपना सिंहासन छोड़कर पहुंचते हैं। ये वो जयकारा है भक्तों, जिस जयकारे को लगाकर न जाने कितने भक्त निहाल हो गए, माला माल हो गए। आओ एक बार जरा मिल के घर घोर आवाज में जरा जोरदार का जयकारा प्रभु के नाम का जरा मिल के इसे बोल, हरे के सहारे की श्याम प्यारे की, हरे 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 हरे। ये यहां से थोड़ा सा हट जाएंगे भैया, जो भक्त आगे की तरफ बैठे हैं। हमारे बाबा के नाम का तो जयकारा लगा है, श्री राधे रानी के नाम का जरा मिलके जय जय श्री राम, जय जय। आज शनिवार की रात है, चाहे श्याम प्रभु का कीर्तन हो, चाहे श्री राम प्रभु का कीर्तन, चाहे माता रानी का कीर्तन हो, चाहे भोलेनाथ का कीर्तन हो, कोई सभी दरबार हो, हर दरबार में एक ऐसे देव जो आज भी प्रत्यक्ष देवों में से माने जाते हैं, जिनका कभी मरण नहीं हुआ, जिनका कभी अंत नहीं हुआ, जिनका जीवन कभी समाप्त नहीं हुआ, आज भी अजर अमर अविनाशी, जिनकी देह का कभी नाश नहीं हुआ। आओ ऐसे अजर अमर अविनाशी बजरंगबली के चरणों में सर्वप्रथम में ये भेंट
ये रचना, ये पुष्प रखना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे राजस्थान के दो ऐसे मुख्य धाम जो पूरे संसार में विख्यात है, संसार में प्रसिद्ध है, एक है हमारा सालासर धाम का मंदिर और दूसरा है मेहंदीपुर धाम का मंदिर। दोनों दरबार यहाँ पर सुसज्जित हो रहे हैं। ये धाम हमारे चूंकि भले राजस्थान में क्यों ना हो, लेकिन हरियाणा वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए सबसे बड़े गौरव की बात, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि राजस्थान में भले सालासर धाम